ये एक एक्टिविटी है डू इट योर सेल्फ यानी कि एक डाई एक्टिविटी है ये आप इसको खुद से ही करके देखेंगे तो आपने जान लिया एक्यूट एंगल क्या है ऑप्टिव एंगल क्या है स्ट्रेट एंगल क्या है राइट right एंगल क्या है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या है तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है दो डिफरेंट कलर की शीट चाहिए मैंने एक पर्पल और एक पैलेट कलर की शीट ली है दो आप किसी भी कलर की शीट ले सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है उन पे सेम रेडियस का सर्कल बनाना है ठीक है तो इसके लिए आपको कंपास चाहिए और एक सीजर चाहिए चलिए तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ सेम रेडियस का ठीक है तो मैं फाइव रेडियस ले लेती हूँ चलिए तो ये मेरा सेंटर है मैंने फाइव सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है सेम उतना ही मुझे सेकंड शीट पे भी लेना है ये देखिए अब हमें क्या कर रहे हैं ये जो आपका सेंटर था इसको जरूर ध्यान में रखना है ये देखिए ये सेंटर था ये आपको इस पे होल करना है सेंटर पे ये मैंने होल कर दिया है अब आपको सीजर की हेल्प से इसको इन सर्कल को कट करना है तो चलिए कट कर लेते हैं ये देखिए मैंने दो सर्कल यहाँ से इस शीट में से मैंने ये ये इसमें से पर्पल और इसमें से ग्रीन मैंने कट कर लिया है दो सर्कल आप किसी भी रेडियस का ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने फाइव लिया है तो आपको तो फाइव ही लेना है आप अपने हिसाब से लीजिए अब आपको क्या करना है एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी ये कर दी दोनों में करना है आपको सेम प्रोसीजर ये किया अब आपको सीजर से इसमें कट करना है सेंटर तक चलिए ये भी कर लेते हैं ये देखिए अरे कट कर, कर लिया अब कुछ नहीं करना है आपको इसको इसमें ऐसे डालना है कि इसको कवर कर ले यानी कि मुझे थोड़ा सा और इसको कट करना पड़ेगा हल्का सा ये देखिए शीट बिल्कुल कवर हो गई है तो चलिए हमने सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल तो देखिए मैं शीट को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ ऊपर वाली शीट को तो देखिए ये जो पर्पल वाला शीट है ये आपका क्या है ये आपका देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल क्या है ये आपका एक्यूट एंगल पर्पल वाला जो है ये शेप है जो है आपकी ये आपकी कहलाएगी एक्यूट एंगल क्योंकि ये लेस देन नाइन्टी डिग्री है इसको हम और रोटेट करते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली शीट को तो ये देखिए ये एग्जैक्ट नाइन्टी बन गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा नाइन्टी का पर्पल वाला जो है नाइन्टी डिग्री का एंगल बन गया तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे थोड़ा सा इतना बढ़ा लिया आपकी मर्जी है आप थोड़ा और बढ़ाइए तो ये आपका हो गया मोर देन नाइनटी पर लेस आपका कहलाएगा एंगल ठीक है चलिए अब मैं इसको और थोड़ा सा मूव करती हूँ तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट देखिए तो ये वन एट्टी का एंगल बन गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्ट्रेट एंगल ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और मूव करती हूँ तो देखिए ये मोर देन वन एट्टी का जो एंगल होता है वन एट्टी डिग्री से ज्यादा का जो एंगल होता है ये पर्पल वाला तो ये हमारा क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल इसके बाद है हमारा जब मैं इसको मूव करती जाऊंगी तो धीरे 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 ये इसको भी कवर कर लेगा ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल ठीक है तो ये हो गया आपका थ्री सिक्सटी का एंगल आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे बहुत इंटरेस्टिंग है अलग अलग कलर की शीट लेके आप ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने ये किया मैंने ग्रीन कलर से कर देती हूँ ये मेरा नाइन्टी डिग्री का एंगल बन गया तो आप इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं नाइन्टी डिग्री के एंगल पे फिर आप एक्यूट एंगल का भी आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं आप इसको खुद से करके भी देख सकते हैं थैंक यू